दोस्तों, मैं हूं जेसी चौधरी और आज का मेरा टॉपिक है पर्सनल मंथ कैलकुलेट करना। कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल मंथ कैलकुलेट कैसे कर सकता है, यानी वो पर्टिकुलर मंथ जो चल रहा है वो कैसा उसके लिए रहेगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रमेश चड्ढा नाम का व्यक्ति है जिसका 22 नवंबर 1983 को बर्थ हुआ है और वो जानना चाहता है कि जुलाई का महीना 2021 में उसके लिए कैसा रहेगा। तो क्या तरीका है इसके लिए हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले उसकी हम डेट को नोट करते हैं, दैट इज 22nd। फिर मंथ को नोट करते हैं जो कि नवंबर है, और करंट ईयर जो है उसका सिंगल नंबर किया जाए तो दैट विल कम 5। 2021 को टोटल करोगे तो सब 5 आ जाएगा। और मंथ नंबर जिसको हम जानना चाहते हैं दैट इज़ अ जुलाई, जुलाई 2021 कैसा रहेगा तो 7 नंबर जुलाई का दे दिया। और नंबर ऑफ मंथ आफ्टर इज लास्ट बर्थडे, लास्ट बर्थडे कब था इसका, नवंबर 2020 में। नवंबर से लेके और जुलाई तक 8 महीने हो जाते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लाइक दिस। तो टोटल इसका हम करते हैं 53 का सिंगल नंबर हो गया 8, तो इसलिए इसका पर्सनल नंबर जो है मंथ का वो 8 हो जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं रूमा गुप्ता का। रूमा गुप्ता की डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1987 है और जानना चाहती है कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा 2021 में। तो उसके पहले हम डेट डाल देते हैं, 3 है इसके अंदर, मंथ 7 है, करंट ईयर 5 नंबर आया 2021 का, मंथ नंबर ऑफ विच वी वांट टू फाइंड आउट अगस्त, और नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे दैट इज़ ओनली 1। तो इसका टोटल आ जाएगा 24, मीन्स 2 + 4 विल बी 6। तो रूमा गुप्ता का पर्सनल मंथ नंबर हो जाएगा 6। और हर मंथ नंबर के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हर मंथ नंबर से पता लगता है कि वो महीना उसके लिए कैसा रहेगा।